बुद्धं शरणं गच्छामि। जमाना कबल इस तारीख से आबाद दुनिया के इब्तदाई दौर के इंसानी आबाद शहरों में से एक ये अजीम शान शहर पिशावर हजारों सालों से मुसलसल आबाद चला आ रहा है। कभी वीरान और बेचराग नहीं रहा। ये शहर तारीख के औराक में मुख्तलिफ नामों से तहरीर है। 500 कबल मसीह को मेल्टस के जुग्राफिया दान हिकायत की तहरीर में इस शहर का नाम कस्बा पोरोस है। 486 कबल मसीह को यूनानी मोरख हीरोडोटस ने इस शहर का नाम कस्बा तोरोस तहरीर किया। शिकागो ओरिएंटल इंस्टीट्यूट के माहरीन आसारे कदीमा को नक्श रुस्तम से मिलने वाली कुतबा में पिशावर का नाम पशिक बोर है। अल बेरूनी ने इस शहर को परशावर लिखा। पारसपुर शानपुर परशापुर और बागराम के अलावा प्रोफेसर दानी के मुताबिक इस कदीमी शहर का नाम पारो पारास्ता भी था। ये अजीम शान शहर कब वजूद में आया इस बारे में मुहक्किकीन की राय मुख्तलिफ है। खुदाए नासिक नामी कदीमी किताब में तहरीर है कि इस शहर को पारस के बादशाह क्यूमरस के नवासे होशन पुशदाद ने आबाद किया। दूसरी रवायत के मुताबिक इस शहर को 7000 साल कबल महाराज किशन ने आबाद किया, जिसके दौर में जरई इनकलाब बरपा हुआ था। इसी दौर में इंसानी नस्ल ने कुछ और इर्तका पाकर शहरी तहजीब में कदम रखा। ज़रात के साथ लोगों ने दूसरे पेशों को भी इख्तियार किया। मोची, तरखान, लोहार, दर्जी और दीगर पेशों से वाबस्ता लोग सामने आए और ये पहला पेशावरों का शहर वजूद में आया। मुहक्किकीन इस पर मुत्तफिक है कि ये शहर द्रावड़ों ने आबाद किया। रूसी स्कॉलर पोरी गंगुफस्की भी इस शहर में आर्यन से पहले द्रावड़ों की मौजूदगी की तस्दीक करता है। कदीम ईरानी तहरीरों के मुताबिक पिशावर पर फ्रीडोन के जमाने में ईरानी परचम लहराया गया। गर्शिद बन अत्रोद पिशावर का पहला ईरानी गवर्नर था। अफरासियाब दौर में एक हिंदी राजा मुनीर राय ने पिशावर को ईरानियों से छीन लिया। केप का दौर तक पिशावर हिंदी राजाओं के कब्जे में रहा। जब मशहूर जमाना पहलवान रुस्तम बाप दादा के मनसब सरदारी पर पहुंचा, तो रुस्तम ने एक बार फिर पिशावर पर ईरानी परचम लहरा दिया। यूनानी सिकंदर के हाथों ईरानी शहनशाहियत के खात्मे पर 326 कबल मसीह को पिशावर पर यूनानी परचम लहराने लगा। सिकंदर की मौत के साथ ही पिशावर यूनानियों के हाथों से निकल गया। 305 कबल मसीह को यूनानी जनरल साइलुकस टिक्टार ने बनफ्से नफीस हमला आवर होकर पिशावर पर एक बार फिर यूनानी परचम बुलंद किया, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने जवाबी हमला करके पिशावर के किले के मीनार से यूनानी परचम नीचे गिराया। पिशावर मौर्य दौर में खुशहाल आबाद और बारौनक शहर था। मौर्य सल्तनत जवाल पजीर हुई तो 185 कबल मसीह को बाख्तरी यूनानियों ने यूथिडेस के बेटे डिमेट्रिस की क्यादत में पिशावर पर एक बार फिर यूनानी परचम लहरा दिया। 77 कबल मसीह को सकाओं ने मावस की क्यादत में पिशावर पर हमला करके पिशावर को तबाही और बर्बादी से दो चार किया। इसी दौरान वहशी साकाओं के सरदार मावस की अचानक मौत पर नए सरदार मुंतखिब करने पर खाना जंगी का आगाज हुआ, जो 20 बरस तक जारी रहा। यह पिशावर का पूरा शोब दौर था। पिशावर के हर बाजार और मोहल्ले का अलहदा अलहदा हुक्मरान हुआ करता था। आखिरकार आईसोल ने अमन बहाल करके एक मुस्तहकम हुकूमत कायम की।
ये खानदान 65 बरस तक पिशावर का हुक्मरान था। 5 ईस्वी को पार्थी पिशावर फतह करने में कामयाब हुए और गोंडो फेरस की हुक्मरानी कायम हुई। पिछहत्तर ईस्वी को कशान ने पिशावर फतह करके गोंडो फेरस के जानशीन को टैक्सिला के मुकाम पर कत्ल करके फैसला कुन बर्तरी हासिल की। इस जंग के आसार टैक्सिला में सरकप की दीवार में मौजूद शगाफ है। कशान ने पिशावर को दारुल हुकूमत बनाकर एक इंतहाई ताकतवर और मुस्तहकम हुकूमत कायम की। कशान ने मशरिक और मगरिब के दरमियान तजारती रास्तों के एक बड़े हिस्से पर कब्जा करके पिशावर को एक अजीम बैनुल अक़वामी तजारती मरकज बना लिया। ये पिशावर का सुनहरा दौर था। पिशावर एक वसीय और ताकतवर सल्तनत का दारुल खिलाफा था। पिशावर में किले, शाही महलात, बागात तामीर हुए, बड़े बड़े बाजार, हजारों आश्रम और मनादर के अलावा गंज गेट के बाहर वो अजीम बुद्धिस्ट मीनार भी तामीर हुआ जो 13 मंजिला था और 500 फुट बुलंद था। कशान दौर में पिशावर की वसत में बे इंतहा इजाफा हुआ। इस जमाने में पिशावर जनूबी एशिया का सबसे खूबसूरत, जदीद और बारौनक शहर था। कशान जवाल पसीर हुए तो ईरानी ससानी खानदान ने पिशावर पर कब्जा किया। इस खानदान का पहला हुक्मरान शाह पुरावल था। नक्शे रुस्तम में दारा के कब्र से मिलने वाले कुतबा जिस पर पिशावर का नाम पश कबूर तहरीर है शाह पुरावल का लिखा हुआ है। 445 ईस्वी को सफेद हुन कहर इलाही बनकर पिशावर पर टूट पड़े। पिशावर को तबाह बर्बाद करके आग लगा दी। हजारों शहरी कत्ल करके बुलंदोबाला तारीखी इमारतों को जमीन बोझ कर दिया। इस तबाही बर्बादी के ठीक 100 साल बाद नामवर चीनी स्याह हेवन सॉन्ग ने पिशावर की यात्रा की। दोनों की तबाही बर्बादी के आसार साफ नजर आ रहे थे। हेवन सॉन्ग ने पिशावर को पोलोशा पोलो के नाम से तहरीर किया। हेवन सॉन्ग ने 1000 आश्रम और 100 मंदिरों को तबाह शुदा हालत में देखा, जबकि शहर के अंदर बुद्धा के कशकोल का बेशबहा अजीमुशान मीनार के खंडरात भी मौजूद थे। हेवन सॉन्ग ने देखा कि पिशावर के शाही शहर में 1000 खानदान आबाद थे। इस जमाना में पिशावर कब्ज़ हुक्मरानों का बाजगुजार इलाका था। पिशावर तवील अरसा तक तुर्क शाहिया, काबिल शाहिया और हिंदू शाहिया के जेरे कब्जा रहा। 978 को सुबकतगीन ने पिशावर फतह करके गजनी सल्तनत में शामिल किया। अली बिन यूसफ पिशावर के पहले मुसलमान गवर्नर और काजी उल कजा मुकर्रर हुए। 150 बरस तक पिशावर पर गजनी सलातीन का परचम लहराता रहा। शहाबुद्दीन गोरी ने गजनी सल्तनत का खात्मा करके पिशावर पर अफगानों का झंडा लहरा दिया। चंगेज खान और तैमूर लन के यलगारों के बाद पिशावर ज्यादातर काबुल के मुगल हुक्मरान के जेर तसल्लुत रहा। मुगल शहनशाह अकबर के जमाने से नादिर शाह अफशार के हमले तक पिशावर पर दिल्ली के मुगल हुक्मरान का परचम लहराता रहा। नादिर शाह के कत्ल के बाद अहमद शाह अब्दाली ने पिशावर पर अफगानिस्तान का झंडा लहराकर पिशावर को अफगानिस्तान का सरमाई दारुल खिलाफा बनाया। दुरानी दौर पिशावर के जरी अदवार में से एक था। दुरानियों ने पिशावर को फूलों और बागों का शहर बना दिया। को वहशी अकालियों ने रंजीत सिंह की क्यादत में पिशावर की ईंट से ईंट बचा दी। शहर के खूबसूरत बागों और किला बाला हिसार समेत तमाम तारीखी इमारतों को मिलिया मेट किया। मनहदम किला बाला हिसार पर वहशियों ने खालिस्तान सरकार का परचम लहरा दिया। सिखों का दौर पिशावर का पूरा शोक और तकलीफ दे दौर था। 1849 को जुल्मो वहशत और बर्बरियत का निशान खालिस्तान सरकार का परचम अंग्रेजों ने उतार कर किला बाला हिसार पर यूनियन जैक का झंडा लहरा दिया। अंग्रेज पिशावर के हजारों साला तारीख के वाहिद फातेह हमलावर था जिसने ना तो पिशावर को ताराज किया, ना ही औरतों की असमत दरी की, ना ही लोगों का कत्लेआम किया, ना ही शहर को आग लगाई, बल्कि अंग्रेजों ने पिशावर से प्यार किया। वहशी सिक्कों के हाथों तबाहशुदा किला बाला हिसार समेत दीगर तारीखी इमारतों और बागों को कदीमी अंदाज में असरे नो तामीर करके कदीम पिशावर की अजीम विरासत की हिफाजत की।
पेशावर का सबसे दिलफरेब, काबिले दीद और बारौनक इलाका अंदरूनी शहर है। ये शहर का वो हिस्सा है जो 2500 साल से मुसलसल आबाद चला आ रहा है। ये कदीमी शहर जनूबी एशिया और वस्त एशिया की कदीम तरीन तहजीबों का हसीन इम्तजाज है। एक हल्की हल्की आहट है, एक महका महका साया है, ये कौन ख्यालों में मुझको दीवाना बनाने। इसमें कई मजाहब, तहजीब और माशरतों के आसार पाए जाते हैं। अंदरूनी शहर हकीकत में गुजरे हुए कदीमी अहद के पेशावर का आईना और कदीम सकाफतों का अमीन है। अंदरून शहर की तंगो तारीख पर पेच गलियां, कोचा बाजार, कई मंजिला लकड़ी की नक्शो निगार वाली बुलंदो बाला इमारतें एक देवमालाई तलिस्माती शहर का नजारा पेश करती हैं। इस तलिस्माती शहर के दरो दीवार से सैकड़ों हजारों रवायती किस्से कहानियां मंसूब हैं, जिनमें कुछ हकीकत और कुछ अफसाने हैं। कदीमी कहवा खाने, कुतुब खाने, दवा खाने और कठेड़े इस शहर की पहचान है। कदीमी शहर के मकीन अपने वजादारी, कुशादा दिले, खुश लिबासी, खुश खुराकी के बायस अपनी मिसाल आप है। फन और सकाफत के दिलदादा हैं हिंदुस्तान फिल्म इंडस्ट्री पर राज करने वाले राज कपूर, दिलीप कुमार और शाहरुख खान का ताल्लुक भी अंदरून शहर से है। पाकिस्तान के नामवर अदाकार आगा तालेश, कवि खान और पेत्रस बुखारी की जन्मभूमि भी अंदरून शहर है। अंदरून शहर में आबाद अकवाम में शहर के कदीमी बासी पेशावरी हैं। ये हजारों साल से यहाँ आबाद हैं। दीगर अकवाम में मुगल, अरब, शातरबाशी, क्यानी, गक्कड़, गजलबाज, उर्मर, अवान, गोरियाखेल, राजगान, बजोड़ी, मोहरी, कश्मीरी, ककेसई, काजी खेल और बागबान भी यहाँ आबाद हैं। तकसीम से कबल अंदरून शहर के कदीमी बासियों में हिंदू अकवाम अरोड़, कतरी, विहाड़ी, जोगी, बैरागी, बरहमन, उदासी और नहंग भी शामिल थे। यहूदे कदीम में एक बैन अल-अक़वामी तजारती मरकज और दुनिया के अमीर तरीन खुशहाल शहरों में से एक था। यहाँ दुनिया भर के तजारती काफले आकर पड़ाव किया करते थे। इसी सबब ये बैरूनी हमला आवरों के लिए भी पुरकशिश था। लिहाजा शहर के तहफ्फुज के लिए चारों जानिब बुलंदो बाला दीवार तामीर की गई थी, जिसकी बुलंदी 25 फुट और चौड़ाई 12 फुट थी। इस फसील बंद शहर के कई दरवाजे थे जो मुख्तलिफ नामों से मशहूर थे। इब्तिदा में इन दरवाजों की तादाद सिर्फ 2 थी, जो सिखों और अंग्रेजों के द्वार में 16 तक पहुँच गए। ये दरवाजे सरकारी औकातकार के मुताबिक कोर गठड़ी की इमारत से दागे जाने वाली तोप के गोले की गरज से अलियुल सुबह खुलते और गुरूब आफ्ताब पर बंद किए जाते। शहर के अंदर मुसाफिरों और सदागरों के लिए औदे कदीम से सराय मौजूद थे, जहां ताजर रिहाइश के अलावा खरीदो फरोख का काम भी करते थे। और सराय टकन में मुंबई और कोलकाता से आने वाले थिएटर और मंडवा भी सजते थे और दूर दूर से शायकीन यहाँ खींचे चले आते थे। ये कदीमी शहर 491 एकड़ रकबे पर मोहित है। अंदरून शहर में कई तारीखी और कदीमी बाजार हैं, लेकिन अंदरून शहर का सबसे बारौनक और आलमी शोहरत याफ्ता बाजार किस्सा खानी है। इस बाजार को पेशावर का दिल भी कहा जाता है। किस्सा खानी वो मकाम है जहां दूर दराज ममालिक से आने वाले ताजरों को आराम और गपशप का मौका मुयसर आता। किस्सा खानी बाजार के दरमियान दरियाए बाड़ा की सेहत बख्श मीठे और खुश जायका पानी की नदी अटकेलियां करती हुई गुजरती थी। मुसाफिर नहर के किनारे लगे शहतूत के दरख्तों के छांव तले कहवा पीते और किस्सा खाना से कहानियां सुना करते थे। ये शहर सकाफती मरकज था। किस्सा खानी औहदे कदीम में हुस्न जलवों का मरकज था। फूल वाली गली से जहांगीरपुरा तक तवाइफों की सैकड़ों बाला खाने थे, जहां साजो आवाज, रंगो खुशबू, नाजिक अंदाम, हसीनाओं की चूड़ियों की खनक और घुंघरुओं की झनकार से राह चलते मुसाफिर के कदम रुक जाते थे। यहां 4000 से जायद रकासाएं थीं, इनमें हर मुल्क की औरतें मौजूद थीं। इस बाजार के बारे में दुनिया के हर मौरख ने अलग अलग अंदाज में तहरीर किया। ये है पेशावर का चौक घंटा घर, जिसे पेशावरी बालों का घड़ियाल भी कहते हैं।
ये घंटा गए 1900 में हुकूमत बरतानिया की डायमंड जुबली के मौका पर लाला बालकमन ठेकेदार ने तामीर किया। इस घंटा घर के लिए घड़ियाल लंदन से मंगवाए गए। इसके कजर की गूंज दूर दूर तक सुनाई देती थी। एक सदी तक ये घड़ियाल से ही वक्त बताता रहा। यह है पेशावर का तारीखी चौक यादगार। 1857 को अंग्रेज सरकार ने शहर के वस्त में लॉर्ड हेस्टिंग्स मेमोरियल चौक के नाम से ये यादगार तामीर की, जो बाद में चौक यादगार के नाम से मशहूर हुआ। चौक यादगार के साथ पेशावर के कई तारीखी वाकयात जुड़े हैं। यह है पेशावर का कदीमी यादगार कोर गठड़ी, जो पेशावर की हजारों साल तारीख का एक बाब है। इस तारीखी मुकाम से पेशावियों की बहुत तलख यादें वाबस्ता हैं। ये हिंदू मत और बुद्ध मत के पैरोकारों का एक मुकद्दस मुकाम है। ये सतह जमीन से 50 फुट बुलंद टेले पर वाकया है और 90 किनाल के रकबे पर मोहित है। मुगल दौर में शहजादी जहां आरा बेगम ने इसी मुकाम पर एक अजीमुशान सराय तामीर की, यूं ये इमारत सराय जहां बेगम के नाम से मशहूर हुई। सिखों के अहद में इस इमारत को सिख गवर्नर एविटेबल ने अपना मुस्कन बनाया। विलियम वॉर बर्टन के मुताबिक इस मुकाम पर रंजीत सिंह का अतालवी जर्नेल एविटेबल कॉर्नर की हैसियत से अदालत लगाकर मजलूम मुसलमानों से वहशियाना इंसाफ करके बासुकात महसूलात के बदले इनके कटे हुए सर वसूल करता था। इस इमारत से कई पुरसरात देवमालाई कहानियाँ वाबस्ता है। यह है नमक मंडी, जिसका सकाफती हवाला बहुत तवाना है कि इसका ताल्लुक खाने पीने से जुड़ा हुआ है। वस्ते एशिया में दुम्बे की चपटी में एक खास तरीके से दुम्बे के गोश्त के तिक्के कड़ाही में तैयार किए जाते हैं। वस्ते एशिया के ताजरों की आमदोरफ्त के साथ इस पकवाने खास का रिवाज पेशावर में भी हुआ। आज नमक मंडी इस खसूसी पकवान के लिए अपनी खास शोहरत रखता है। यह है पेशावर का सबसे कदीम तरीन आर्यन दौर का यादगार पंच तीर्थ। हिंदू मत की तहरीरों के मुताबिक जहां हजारों वर्ष कबल पांडवों ने कौरों से जंग हारने के बाद इस मुकाम पर शहर से बाहर रिहायश इख्तियार की, हजारों साल से पंच तीर्थ की जियारत के लिए हिंदू यात्री दूर दूर से आते और पंच तीर्थ पर हाजिरी देना अपना दीनी फरीजा समझते और यहां के तालाबों का पानी तबरक के तौर पर अपने साथ ले जाते। बुद्धिस्ट भी इस मुकाम को मुतबरक समझते थे। यहां हिंदू मत के पैरोकार एक मजहबी त्यौहार मनाते। इस मेले में हिंदू बड़ी अकीदत से शिरकत करते थे। यह है शाहजी की डेरी, बुद्धिस्ट दौर का एक मुकद्दस मुकाम, जहां राजा कनिष्क ने बुद्धा के मुकद्दस कशकोल का वो बेशबहा अजीम मीनार तामीर किया था, जो 13 मंजिला और 500 फुट बुलंद था। मीनार के ऊपर मुनाकिश लकड़ी का काम था। मीनार के गुम्बद पर तांबे के 25 थालों का कलश बना हुआ था। इस इबादत गाह में धात की बनी हुई डिबिया के ऊपर बुद्धा की मूर्ति थी। डिबिया के अंदर बलोर की एक खूबसूरत बोतल थी, जिस पर राजा कनिष्क का नाम कुनिंदा था। इस बोतल में बुद्धा की हड्डियों के छोटे छोटे 3 टुकड़े महफूज थे। 1909 में डॉक्टर स्पोनर ने यहाँ दौराने खुदाई ये डिबिया दरियाफ्त कर ली, जो पेशावर अजायब घर में महफूज है। सागर दमा हूँ मेहरों में शाम शाह। सागर दमा हूँ मेहरों में शाम शाह। लावला बंदगी ब्याजादी भी तो मकसद दाजादे लड़े गुलाम शाह। पनिस्ते की दल हस्ते मर्तबगो
بلبلو جبستکا عہد قدیم میں پشاور شہر دریاؤں اور چشموں کا شہر تھا. شہر کی وسط میں میٹھے پانی کے کئی چشمے تھے اور دریائے باڑا کے کئی نہریں شہر کے بازاروں کے درمیان سے گزرتی تھی. جبکہ شہر کے نواح میں دریائے کابل گزر کر دریائے سندھ میں اٹک کے مقام پر آ گرتا تھا. ہزار سال قبل سیلکس نے پشاور ہی کے مقام سے دریائے کابل میں کشتی کے ذریعے اپنے عظیم تاریخی سفر کا آغاز کیا تھا. یہ ہے پشاور میں ملکہ وکٹوریا کے زمانے کی یادگار اور جدید پشاور کا عکس. پشاور چھاؤنی کا صدر بازار. انگریزوں نے جب 1849 کو پشاور پر قبضہ کیا تو شہر سے 2 میل بجانے مغرب دورانی گورنر علی مردان کی خوبصورت حویلی اور اس کے ارد گرد باغات میں چھاؤنی قائم کی. علی مردان کی 3 منزلہ حویلی کو ریزیڈنسی کا نام دیا. انگریزوں نے چھاؤنی کے ساتھ ہی یہ بازار قائم کیا. شہر کے دولت مند ساہوکاروں اور پنجاب سے آئے ہوئے سیٹھوں کو دکانیں قائم کرنے کی اجازت دی گئی. جلد ہی صدر بازار جدید خوبصورت اور بارونق بازار کے طور پر پشاور کے بازاروں میں شمار ہونے لگا. یہ پرشکوا اور دلکش عمارت 1906 میں گراؤنڈ وکٹوریا میموریل ہال کے نام سے تعمیر ہوئی جہاں سرکاری تقریبات منعقد کی جاتی تھی. ایک زمانہ میں یہ ڈانسنگ ہال کے طور پر بھی استعمال ہوتا رہا. 1918 میں یہاں عجائب گھر قائم کیا گیا. صوبہ سرحد کی پہلی عارضی صوبائی اسمبلی بھی اسی عمارت میں قائم کی گئی. سرحد کے پہلے وزیر اعلیٰ صاحبزادہ عبد القیوم نے اس عمارت میں اپنے عہدے کا حلف اٹھایا. صوبائی اسمبلی کی نئی عمارت تعمیر ہونے کے بعد یہ عمارت دوبارہ عجائب گھر کے حوالے کر دی گئی. یہ پشاور کی عظمت رفتہ کا عظیم یادگار پشاور کی ہزاروں سالہ تاریخ کی خونی انقلابات اور نشیب و فراز کا عینی شاہد قلعہ بالا حصار ہے. یہ اتنا ہی قدیم ہے جتنا کہ پشاور. یہ سطح زمین سے 92 فٹ کی بلندی پر واقع ہے. قلعہ کا رقبہ 15.25 ایکڑ پر محیط ہے. روایت کے مطابق اس قلعہ کی بنیاد 5000 سال قبل دراوڑوں نے رکھی جبکہ قدیمی ایرانی کتب کے مطابق یہ قلعہ 2500 سال قبل ایرانیوں نے تعمیر کیا. یہ قلعہ ہر بیرونی حملہ آور کے ہاتھوں تباہ ہو کر پھر آباد ہوتا رہا. آخری بار 1823 کو وحشی سکھوں کے ہاتھوں یہ قلعہ مسمار ہوا. انگریزوں نے اس قلعہ کو از سر نو تعمیر کیا. قلعہ بالا حصار سے پشاور کی بہت سی حسین اور تلخ یادیں وابستہ ہیں.
सैकड़ों हजारों सदियां यूं बीत गई। पेशावर को गुलजार बनाने वाले और अपने खून से उस गुलजार की आब्यारी करने वाले चले गए, लेकिन इनके नक्श पा अजीम निशाने आज भी फखर और इस्तकलाल के साथ सर उठाए खड़ी पेशावर की शानदार अजमत और रफ्ता की कहानी सुना रही है।